हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको मदर एंड चाइल्ड केयर में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य व पोषण कार्यक्रम, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण एवं कार्यक्रम में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम में जननी सुरक्षा योजना के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। कल हमने आपको माता तथा शिशु सुरक्षा कार्य के महत्व के बारे में अध्ययन कराया था। आज इन कार्यक्रमों के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे तथा इन कार्यक्रमों के द्वारा किस तरह से शिशुओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है तथा सरकार द्वारा किस प्रकार से सहायता की जाती है। भारत सरकार तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा मातृ तथा शिशु के उत्तम स्वास्थ्य पोषण हेतु एक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उनमें कुछ कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम है आपका जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पर अधिकांश जनता निर्धन निरक्षर है। जिस तरह से गर्भवती स्त्री है, धाती माताओं की स्थिति यहाँ पर अत्यधिक दयनीय है, क्योंकि समय पर उपचार न मिल पाना, योजनाओं का लाभ न उठा पाना, टीकाकरण के बारे में कोई संपूर्ण जानकारी न होना, कई प्रकार की बीमारियों से गिरना, जटिलता उत्पन्न होना, गर्भावस्था के समय कई प्रकार के संक्रमण का सामना करना, इन सभी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा जननी सुरक्षा योजना का विकास किया गया। अनेक गर्भवती स्त्री प्रसव के दौरान कई जटिलताओं के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है तथा नवजात शिशु, माता के साथ साथ नवजात शिशु की भी मृत्यु हो जाती है, जिससे भारत में मृत्यु दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस शिशु मृत्यु दर को दर में कमी लाने के उद्देश्य से इस योजना का शुरुआत किया गया। इस योजना की शुरुआत सन 2005 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है शिशु मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, शिशु तथा माँ को दोनों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, ताकि काल के मुंह में जाने से उनको रोका जा सके। जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के करकर्मों द्वारा 12 अप्रैल 2005, जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ 12 अप्रैल 2005 प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। यह योजना भारत सरकार की योजना है। इसका वित्तीय भार, जो आर्थिक सहायता मिलती है भारत सरकार द्वारा मिलती है, यह भारत में समस्त राज्यों यूटी यानी यूनियन टेरिटरी द्वारा ये संगठन चलाए जाते हैं, ताकि शिशु मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सके, दोनों को स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सके। इसका उद्देश्य क्या है? जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है शिशु मातृ मृत्यु दर में कमी लाना तथा प्रसूताओं के लिए यह योजना चलाई जाती है। इस योजना का लाभ उन्हीं प्रसूताओं के लिए मिलता है जो सरकारी अस्पताल अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में अपना प्रसव कराते हैं। यह योजना सभी नज़दीकी अस्पतालों में आसानी से प्रदान की जा रही है। इस योजना को लाभ लेने के लिए सरकारी अस्पताल अपने जिला अस्पताल में ही प्रसूताओं का डिलीवरी करवानी चाहिए तथा मान्यता प्राप्त जो निजी अस्पताल हैं उनमें ही प्रसव की प्रक्रिया करवानी चाहिए। प्रारंभ में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत निर्धन वर्ग के गर्भवती स्त्रियों की सुरक्षित मातृत्व की प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। गर्भवती स्त्रियों को अस्पतालों में प्रसव कराने हेतु प्रेरित किया जाता है, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है, अस्पताल में चिकित्सक के साथ सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर उन्हें चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ताकि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रह सके। अतः स्पष्ट है कि
सुरक्षित प्रसव एवं मातृत्व को बढ़ावा देना, शिशु मातृ मृत्यु दर में कमी लाना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। यह योजना राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का एक रूप माना जाता है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना तथा किसी विकास मंत्रालय में स्थानांतरित करके स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण विभाग के द्वारा ही इसको सहायता प्रदान की जाती है। इसमें किस तरह से सहायता प्रदान कर दी की आप, जैसे कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में किसी गर्भवती महिला की प्रसव प्रक्रिया करवाई जाती है, उनको सहायता राशि के रूप में 2000 रुपये की राशि दी जाती है। उसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में प्रसव के दौरान भारत सरकार द्वारा 1400 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इसी अंतर्गत एक कार्यकर संस्था का नाम है आशा। आशा एक संस्था, सामाजिक संस्था है। इस सामाजिक संस्था के अंतर्गत निर्धन परिवार के गर्भवती एवं प्रसूता स्त्रियों की समस्या को पहचान कर उनकी बात केंद्र सरकार तक पहुंचा जाती है तथा उनको एक सहायता प्रदान की जाती है। आशा सहयोगियों का चुनाव कर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1000 की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस आशा सहयोगिनी अपना कार्य करती हैं तथा प्रसूता महिलाओं के लिए सहायता प्रदान करती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में आशा सहयोगिनी की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC तथा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC हर माह आशा दिवस मनाया जाता है। जो नज़दीक अस्पताल होता है वहाँ पर आशा सहयोगियों द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। आजकल आंगनवाड़ी में प्रसूता स्त्रियों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से घी, दाल, चावल, दलिया आदि का वितरण किया जाता है ताकि गर्भवती महिलाओं को उनके पोषण तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभान्वित महिलाओं को राशि का भुगतान ऑनलाइन की सुविधा के द्वारा किया जाता है। इसके लिए राजस्थान में ओजस, राजस्थान में राशि को पहुंचाने के लिए ओजस, इस ओजस के माध्यम से ही प्रसूति महिलाओं के लिए सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह एक तरह का सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। ओजस से तात्पर्य है ऑनलाइन जननी सुरक्षा योजना, ऑनलाइन जननी सुरक्षा योजना। इस योजना के अंतर्गत सुचारू रूप से चलाने के लिए ANM ग्रामीण तथा शहरी स्त्रियों के संपर्क में गर्भवती स्त्रियों के लिए जानकारी प्रदान की जाती है। गर्भवती धात्री, धात्रियानी जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, अन्य महिलाओं के लिए प्रत्येक माह आंगनबाड़ी केंद्र पर बैठक आयोजित की जाती है तथा उनका संबंधित रिकॉर्ड तैयार करके उनके स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। जननी सुरक्षा योजना यह सरकारी संस्था तथा संस्थागत प्रसव कराने के लिए 42 दिन तक प्रसूता तथा 30 दिन तक नवजात शिशु को कई प्रकार के इलाज करवाए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क जाँच, अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान की जाती है ताकि उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान हो सके, उन्हें समय पर सारी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त हो सके। जननी एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की जननी सुरक्षा योजना के तहत जननी एक्सप्रेस का भी संचालन किया गया है। इसमें 104 जननी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 104 का प्रयोग किया जाता है। 104 जो एम्बुलेंस का नंबर होता है, इसे गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क प्रदान किया जाता है। जननी सुरक्षा योजना में जननी एक्सप्रेस योजना को 104 टोल फ्री नंबर से अपने घर पर बुलाकर गर्भवती महिलाओं को समय पर जिला अस्पताल में पहुंचाया जाता है। इसी के माध्यम से BPL देसी घी की योजना भी चलाई गई थी। जो गरीबी रेखा से नीचे लोग होते हैं, निर्धन वर्ग के जो लोग होते हैं, उनके द्वारा BPL के माध्यम से देसी घी की योजना भी चला गई थी ताकि
प्राथमिक राजकीय संस्थागत प्रसव कराते समय प्रत्येक महिला को 5 लीटर घी उपहार में दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार स्टेट बीपीएल अंत्योदय योजना में समृद्ध शहरी परिवार है तथा थोड़ी जनजाति है परिवारों को लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत राजस्थान के नागौर जिले में बीपीएल परिवार को 145 प्रसूताओं को राजकीय चिकित्सालय में संस्थागत प्रसव करवाने का लाभान्वित किया जाता है तथा बेटियों कन्याओं के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजना बनाई जाती हैं ताकि किसी तरह की परेशानी आर्थिक मदद उनको सरकार के द्वारा मिल सके। भारत में जो लिंगानुपात है निरंतर घटता जा रहा है, यानी जो लड़कियों की संख्या है कम होती जा रही है या जन्म लेने से पहले ही उन्हें गर्भ में ही उनकी हत्या कर दी जाती है, यानी भ्रूण हत्या कर दी जाती है। तो भारत सरकार ने लिंगानुपात को यानी बेटियों की संख्या को बढ़ाने के लिए इन योजनाओं को भी काफ़ी बढ़ावा दिया गया है। लड़की जन्म पर एक भारी राशि दे करके बेटियों की भ्रूण हत्या को रोका गया है। भारत में लिंगानुपात निरंतर घटता जा रहा है, जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली समेत कई क्षेत्रों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है। वर्तमान समय में 2011 में 1000 लड़कों पर 929 लड़कियां हैं तथा इससे लड़कियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, लिंगानुपात कम होता जा रहा है तथा एक लड़की के साथ 3-3, 4-4 लड़कों का विवाह इस प्रकार कई प्रकार की परेशानियों का सामना कर पक सकता है। लड़कियों को कई क्षेत्रों में एक पूरी तरह से मान सम्मान नहीं मिल पाता है, उन्हें किसी तरह के खरीद प्रोक्त कर उन्हें बेच दिया जाता है तथा इस स्थिति में बचने के लिए लिंगानुपात को समान रखने के लिए बेटियों की भ्रूण हत्या को रोकने के लिए दहेज प्रथा पर पाबंदी लगाने के लिए कन्याओं को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार की राशि प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत है आपकी मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के अंतर्गत हर लड़की का जन्म होता है, बालिका का जन्म होता है तो 21 रुपये मिलते हैं और प्रथम जन्म दिन पर यानी जब बच्ची 1 साल की हो जाती है, जब लड़की 1 साल की हो जाती है उसके 21 रुपये मिलते हैं। पाँचवें जन्मदिन पर जब बालिका 5 साल की हो जाती है फिर उसको 31 रुपये मिलते हैं, यानी लड़की के जन्म होने पर कन्या के जन्म होने पर 31 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। 5 साल तक ही बच्ची के लिए 31 रुपये राशि प्रदान की जाती है ताकि बच्चियों के खान पान है स्वास्थ्य संबंधी इन योजनाओं को पूरा करने के लिए इन योजनाओं को चलाया गया था। बालिका संबल योजना के अंतर्गत इसमें कोई दंपति का पुत्र नहीं होता है तो पुत्रियाँ ही होती है तो नसबंदी ऑफिसर करवा दिया जाता है तथा राज्य सरकार द्वारा 10,000 रुपये के बॉन्ड चेक उपलब्ध करवाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बालिका संबल योजना है, अगर किसी दंपति पर 2 बेटियाँ हैं 2 बालिका हैं, अगर वो 2 बालिकाओं से नसबंदी कराता है तो उन्हें 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के द्वारा बच्चियों की संख्या को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है तथा कुल संतानों पर एक निश्चित प्रमाण पत्र देकर सरपंच सचिव द्वारा कई नगर पालिका नगर परिषद नगर निगम अधिकांश अधिकारी द्वारा कई प्रकार की राशि प्रदान की जाती है। प्रेरणा योजना के अंतर्गत यह योजना बीपीएल परिवार के लिए चलाई जाती है। इस योजना में अंतर्गत बेटी की शादी और 19 वर्ष की आयु में होती है तो उसे 5,000 की राशि प्रोत्साहित की जाती है। इस राशि में बालिकाओं के लिए शादी के समय 19 वर्ष की आयु प्रदान करने पर उन्हें 5,000 रुपये नगद राशि दी जाती है ताकि पुत्री जन्म होने पर उन्हें एक उपहार का स्वरूप गिफ्ट दिया जाता है। इस योजना को लाभ उठाने के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बीपीएल कार्ड का सत्यापित प्रति, महिला का जन्म प्रमाण पत्र, फोटो तथा पहचान पत्र, इन कागजों के द्वारा ही हम इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह एक राजश्री योजना है। राजश्री योजना का शुभारम्भ राजस्थान में 1 जून 2016 से लागू किया गया था। 1 जून 2016 से राजश्री योजना के अंतर्गत राजस्थान में लड़कियों की घटती संख्या को देखकर राजस्थान सरकार ने इस योजना को
चलाया गया ताकि राजस्थान में लिंगानुपात समान रहे, सामाजिक कुरीतियों से बचाकर कन्याओं को भ्रूण हत्या से बचाया जा सके। लड़की के जन्म होने पर माता पिता को इसमें 2500 रुपये का चेक दिया जाता है, जबकि बालिका जब 1 वर्ष की हो जाती है उन्हें 2500 रुपये का चेक दिया जाता है। 5 वर्ष के होने पर सरकारी स्कूल में बच्चियों को पढ़ाया जाता है तो 4000 रुपये की राशि दी जाती है। 5वीं पास करने पर 5000 रुपये दिए जाते हैं। 8वीं पास करने पर 11000 रुपये दिए जाते हैं। 12वीं कक्षा पास करने पर उसको 25000 रुपये की नगद राशि प्रदान की जाती है, यानी संपूर्ण राशि पालन पोषण को ध्यान रखकर मिलकर 50000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। राजश्री योजना के अंतर्गत बच्चियों के लिए 50000 की राशि प्रदान की जाती है ताकि राजस्थान में बच्चियों को बढ़ावा दिया जाए, कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाए। मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष की योजना के अंतर्गत कई प्रकार के बीपीएल हैं, स्टेट बीपीएल, विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था, पेंशनधारक, नवजीवन, अन्नपूर्ण योजना के अंतर्गत इनकी सहायता की जाती है। जो 108 बीपीएल सेवा योजना है ये मानव जीवन के लिए एक अमूल्य माना गया है, इसे किसी भी समय पर हम अपने जिला अस्पताल से उपलब्ध करवा सकते हैं तथा इन सभी को ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा सुदूर रेगिस्तान इलाकों में जहाँ पर नियमित रूप से स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती वहाँ पर मेडिकल मोबाइल यूनिट RCH सेवाओं का उपलब्ध करवाया जाता है। राजस्थान के नागौर जिले में 11 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित की जा रही। कहने का तात्पर्य है जो अपना पश्चिमी इलाका है, रेगिस्तान क्षेत्र है, वहाँ पर इन योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इसी को राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट कहा गया है। इस मेडिकल यूनिट के द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की जाती है। अब पढ़ेंगे हम शिशु देखभाल इकाइयाँ। शिशु देखभाल इकाइयाँ क्या होती हैं? मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर शिशु स्वच्छता देखभाल की इकाइयों का अध्ययन किया गया है। ये इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? पहली इकाई है नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई, यानी इस इकाई के अंतर्गत नवजात शिशु को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अगर समय से पूर्व उसका जन्म होता है, अल्प भार होता है तो उस शिशु का स्थिरीकरण करके उसका देखभाल की जाती है, और वो बीमार होता है उसे बाहर किसी अच्छे अस्पताल में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है तथा उसका एक बेहतर इलाज करके शिशु को जान की रक्षा की जाती है। घर पर नवजात शिशु की देखभाल, अगर घर पर हम नवजात शिशु की देखभाल करते हैं इस योजना के अंतर्गत, इस देखभाल इकाई के अंतर्गत ये योजना जन्म से 6 सप्ताह के शिशुओं एवं प्रसूताओं के लिए चलाई जाती है तथा 6 सप्ताह 1.5 माह तक इसकी सार संभाल की जाती है, इसकी देखभाल की जाती है। नवजात शिशु देखभाल इकाई इन्फेंट केयर यूनिट, इसी इकाई में जन्म से 28 दिन के यानी 1 महीने के लगभग नवजात शिशु को की गंभीर बीमारी हैं जैसे पोलिया, निमोनिया, दस्त संक्रमण, टाइफाइड, अन्य बीमारी से ग्रसित है उनका एक संपूर्ण इलाज किया जाता है। ये सभी इकाइयाँ जिला अस्पतालों में उपलब्ध होती हैं ताकि मातृ शिशु दर को बढ़ाया जा सके। कुपोषण उपचार केंद्र, यानी जो कुपोषित बालक होते हैं उनके लिए कुपोषण उपचार केंद्र MTC की स्थापना की गई है। अगर 11.5 सेंटीमीटर से कम वाले बच्चों को कुपोषित माना जाता है तो उनको OPD या ANM द्वारा रेफर कर दिया जाता है। उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा रेफर कर कुपोषित बच्चों को संपूर्ण इलाज करके उनकी स्वास्थ्य संबंधी सामग्री प्रदान की जाती है। कुशल मंगल कार्यक्रम योजना, राजस्थान सरकार द्वारा यह योजना गर्भवती स्त्रियों के लिए चलाई गई है जो काफ़ी कमजोर होती हैं, उनका खान पान का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो प्रसव के समय उनकी जान को खतरा होता है, रक्तलपता होती है, एनीमिया होती है, खून की कमी होती है और किसी तरह का संक्रमण होता है तो कुशल मंगल कार्यक्रम के अंतर्गत उनकी महिलाओं की शीघ्र पहचान, लाइन लिस्टिंग, प्रबंध अनुसरण का केंद्रित किया जाता है तथा इस योजना को चलाने के लिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी महिलाओं को पहचान करके उन्हें समुचित इलाज किया जाता है तथा
उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार के संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत इस कार्यक्रम राजस्थान राज्य के प्रत्येक जिले में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजस्थान माध्यमिक विद्यालय, जो हमारे क्षेत्र में जो विद्यालय होते हैं सीनियर माध्यमिक विद्यालय, इन विद्यालयों में चलाने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा चिन्हित छात्र छात्राओं की स्वास्थ्य संबंधी उपचार किया जाता है तथा इन छात्र छात्राओं की जो बीमारी से ग्रसित है, कोई गंभीर रोग से ग्रसित है, उनका उपचार किया जाता है। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो किशोर होते हैं, टीनेज होते हैं, उनके लिए भी कई प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो इनके लिए आयरन की गोलियाँ, आपने देखा होगा विद्यालयों में आजकल आयरन की गोलियाँ मुफ्त में ही वितरण की जाती है, ताकि किसी किशोर को, किसी लड़कियों को, उन्हें रक्त की कमी ना हो, उन्हें रक्तलप्ता ना हो, उन्हें आयरन की गोलियाँ खिलाने के लिए उनकी मात्रा ही बढ़ाई जाती है, ताकि विटामिन ए की कमी जैसे रतौंधी है, अंधापन है, केराटोमलेसिया है, जेरोसिस है, आँखों के रोग है, इन रोगों को बचाने के लिए, कुपोषित बालकों के लिए किशोर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम चलाए गए हैं, जो विद्यालय में निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। महिला आरोग्य समिति राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य के प्रति जागृति के लिए महिला आरोग्य समिति का गठन किया गया। आरोग्य मतलब किसी तरह का रोग न होना। इस कार्यक्रम में आशा सहयोगियों के द्वारा इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन महिला आरोग्य समितियों को 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है तथा खर्चे के लिए भारत सरकार द्वारा इसका निर्वहन करती है। यह आपकी शिशु देखभाल की इकाइयाँ हैं।